आज हम लोग 2.2 के अंदर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसके अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन है रूट साइन एक्स. इसको आप पहले वाई कंसिडर करते हो, डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग आपको पूरा लिखना चाहिए. अब देखो वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ जो क्वेश्चन है वो रूट एक्स का टाइप है, रूट एक्स. अब एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो आप क्या करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. तो यहाँ रूट की एक्स, रूट के अंदर एक्स की जगह साइन एक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का वापस डेरिवेटिव चेन रूल से. तो हम इसको पहले कर देंगे, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, सो रूट साइन एक्स हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स. देन हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, जो रूट के अंदर था क्या था, साइन एक्स, वो कर दिया. नाउ नेक्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2 रूट साइन एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा जैसा है वैसा. देखो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है. आपको सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होना चाहिए, ट्रिगो वाले भी. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारा ये डेरिवेटिव आ चुका है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स 1 कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स. अब ये और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है. इतना सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 2 के, सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है. आपको बेसिक ये जो फॉर्मूले है डेरिवेटिव की याद होनी चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और जो मैंने पहले बताया था वो आना चाहिए. चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट से मिलता जुलता है. चेंज क्या है, देखो यहाँ पूरे साइन एक्स को रूट था, यहाँ पूरे कॉस एक्स को रूट नहीं है, ये जो इसका एंगल है कॉस का एक्स उसको रूट है. तो कैसे करेंगे, यहाँ मेन फंक्शन था, रूट फंक्शन मेन था, देन उसके अंदर साइन फंक्शन था, रूट फंक्शन के अंदर साइन फंक्शन था, यहाँ मेन फंक्शन कॉस है, कॉस के बाद रूट एक्स है, यानी मेन कॉस है अंदर रूट है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग लिखते हैं यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स. इसको आप समझो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है. तो पहले कॉस मेन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस रूट एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी जो भी था रूट एक्स. अब यहाँ तो सिर्फ एक्स होना चाहिए था, यानी कॉस एक्स होना चाहिए था, तो माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव, बट एक्स के बदले तो रूट एक्स है, तो उस रूट एक्स का वापस डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. इस तरह से अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस साइन रूट एक्स ऐसे रह जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया था 1/2 रूट एक्स होता है, हो गया. अब क्या करना है, इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन रूट एक्स, और नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स. देखो ये रूट एक्स एंगल का है, इसको कैंसिल मत करना, ओके, इसको ऐसे ही रखना है. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है. आओ और कुछ देखते हैं इसके अंदर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ मैं. ये देखो ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बिल्कुल इसके जैसे है, कॉस रूट एक्स है, रूट एक्स के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस सेम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये जो ब्रैकेट है इसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, यानी 2x से मल्टीप्लाई करना, हो गया. कॉस ऑफ साइन एक्स, तो मेन फंक्शन कॉस है, उसके अंदर साइन है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना. सेम मैं फिफ्थ वाला बताता हूँ, फिफ्थ जैसा ऐसे ही थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ का ट्रिक देख लो, थर्ड और फोर्थ खुद से आ जाएगा आपको. इसको आप सबसे पहले कंसीडर करोगे वाई, यहाँ जो फिफ्थ वाला इसको मैं लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू दिस, देन आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और ये जो भी एंगल है समझो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, बट एक्स के बदले दूसरा कुछ है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेके आगे मल्टीप्लाई करो. साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, एंगल क्या था देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर मल्टीप्लाई करो, ये जो ये पूरा एक्स के बदले था ना उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब क्या करना, ये जो है एज इट इज कॉपी करना, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये ब्रैकेट के पहले डी अपॉन डी एक्स है, तो इस पूरे ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज करना डेरिवेटिव का. कैसे आ जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर है, 2 आ गया, आया 2 इंटू ए एक्स, और यहाँ 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा. बी एक्स है, ये मैंने आपको बताया बी एक्स होगा तो x हटा दो, जैसे 5x होगा तो हम सिर्फ 5 लेते हैं, x हट जाता है, बी एक्स है तो सिर्फ b लेंगे. c कॉन्स्टेंट है, c के अंदर x है ही नहीं,
तो सी का डेरिवेटिव जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया हमारा, ये फाइनल आंसर है। इसको कभी भी जो अलजेब्रिक ये होता है ना वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले लिख देना चाहिए, यानी पहले लिख देते 2ax + b पहले आ जाएगा इनटू फिर ये जो भी है cos ax² + bx + c। ये याद रखो कि लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा ऐसा कुछ तो अलजेब्रिक जो भी होगा इस तरह से पहले आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इस तरह से ये करना है। इसको कॉपी करोगे और हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड में 6th वाला क्वेश्चन है, y = sec tan√x। ये कैसे करना है देखो, यहाँ मेन फंक्शन sec x है, sec x का डेरिवेटिव लोगे sec x tan x, फिर अंदर जो tan√x है ये अगेन डेरिवेटिव लोगे, फिर √x का अगेन डेरिवेटिव। उसके जैसा 7th एक क्वेश्चन है, बाहर साइन है फिर अंदर कॉस है फिर टेन है। मैं आपको 7th सिखाता हूँ, सेम ट्रिक फॉलो करना, आपको 6th आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप करते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y डेरिवेटिव इज dy/dx। अब यहाँ मेन फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ब्रैकेट में जो भी है वो ऐसे ही रहने दो, कॉस टेन एक्स, ये हो गया साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस। अब अंदर जो है इसका डेरिवेटिव, ये जो था x के बदले जो भी था उसका अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कॉस टेन एक्स। देखो वही काम बार बार करना है। अब ये जो है ऐसे ही कॉपी करो, कॉस कॉस टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो कॉस है मेन फंक्शन वापस कॉस है, अब कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन और अंदर जो भी था टेन एक्स। अब क्या करोगे देखो, फिर से डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, d/dx ऑफ जो अंदर था ना टेन एक्स उसका अगेन डेरिवेटिव। तो अगले स्टेप में देखो कॉस ये जो था वैसे करेंगे, कॉस ऑफ टेन एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ टेन एक्स। अब देखो ये टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec² x, कुछ कॉमन या कैंसिल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी को आप अच्छे से लिख सकते हो, जैसे कि माइनस है पहले ले लिया माइनस, फिर जो अकेला है sec² x पहले लिख दिया, फिर ये है साइन ऑफ टेन एक्स है, फिर ये कॉस कॉस टेन एक्स। तो इस तरह से फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखे उस हिसाब से। ये हो गया हमारा, जैसे मैंने ये आपको ये 7th बताया ना, ये सेम ऐसा ही आपको 6th करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो 8th वाला क्वेश्चन है, y = sin x² + x + y। अभी मैंने आपको 5th वाला क्वेश्चन जो बताया था सेम वैसा ही था, साइन करके उसी तरह से करना। ये हो जाएगा साइन का कॉस और ये रहेगा इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + x^1 आ जाएगा, 5 0 हो जाएगा, सेम 5th के जैसे करो। ये देखते हैं 9th वाला, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y डेरिवेटिव इज dy/dx। अब ये देखो मेन फंक्शन रूट है, रूट x का डेरिवेटिव क्या याद किया था आपने, 1/√x, तो ये फॉलो करेंगे रूट ऑफ टेन रूट x, इसका 1/ हो जाएगा 2√x का 1/√x, तो अंदर क्या है tan√x, ये आ गया। लेकिन रूट के अंदर क्या था tan√x, उसका वापस डेरिवेटिव ऑफ tan√x। अगला स्टेप देखो dy/dx, ये जो है एज इट इज कॉपी कर लो, 1/√tan√x, इसका डेरिवेटिव देखो। अब मेन tan एक मेन फंक्शन है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec² और ये √x, बट यहाँ तो x होना चाहिए था बट √x है, तो √x का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट करते √x का डेरिवेटिव होता है 1/√x, हम लोग बार बार कर रहे हैं याद हो चुका है, हो गया आंसर। अब यहाँ देखो सिंप्लीफाई करके लिख दो, आंसर आ गया dy/dx जोड़ो, देखो ऊपर क्या बचा है sec² √x और 1 है मतलब sec² √x, अपॉन में यहाँ देखोगे 2 2 = 4, √x और √10, तो पहले √x लिख लो अलजेब्रिक है, फिर रूट ऑफ टेन रूट एक्स, ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से हमने आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 9th क्वेश्चन तक कर लिया।